दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज एक नया विषय, एक नया मुद्दा लेकर आए हैं वापस। हम हमेशा नए नए मुद्दे लेकर आते रहते हैं जिनके बारे में लोगों को अक्सर पता नहीं होता। और आज एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिससे गरीब वर्ग बड़ा प्रभावित होता है। कैसे होता है? आई एम सॉरी। देखिए, अगर टाइफाइड मलेरिया होता है तो डॉक्टर्स बोलते कीवी खाओ, कीवी खाओ। डॉक्टर्स बोलते ड्रैगन फ्रूट खाना। डॉक्टर्स बोलते हैं क्रैनबरीज खाना, रेसबरीज खाना। डॉक्टर्स बोलते हैं कि ऐसे ऐसे एक्सपेंसिव फल बोलते हैं। अब एक कीवी 40-50 रुपये की आती है, इतनी बड़ी, और उसमें कितने लोग खा जाएंगे? एक बंदा 4-5 कीवी आराम से खा जाएगा, तो गरीब व्यक्ति कहाँ से लेके आ पाएगा? एक ड्रैगन फ्रूट 100 रुपये का इतना बड़ा आता है, तो क्या सब लेके खा सकते हैं उसको? सब तो नहीं खा सकते। एक रेसबरी का इतना सा एक गुच्छा 80-90 रुपये का आता है, तो क्या गरीब खा पाएगा उसको? लाकर नहीं खा सकता। तो प्रश्न है कि कौन सा फल हमारे लिए बेस्ट फल है, कौन सा ऐसा फल है जो ऋषि हमसे कहते हैं कि हमें खाना चाहिए। तो ऋषि मुनि हमारे कहते हैं, चरक ऋषि चरक संहिता में कहते हैं कि सबसे बेस्ट अगर कोई फल है, कोई रसायन है, तो वो आंवला है। उन्होंने फल को रसायन भी कहा। देखिए, रसायन का मतलब क्या होता है? रसायन वो होते हैं जो हमारी वय को, जो हमारी एज को बढ़ा देते हैं, जो हमको दिन पे दिन जवान कर डालते हैं, वो उनको रसायन कहते हैं। तो वो कहते हैं सबसे अच्छा फल और सबसे बेहतरीन रसायन कोई है तो वो आंवला है। अब आंवला में क्या होता है? देखिए, आंवला में करीब 6 रस होते हैं। हम पढ़ते हैं 6 रस के बारे में। 6 रस कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये करीब 6 रस होते हैं। तो हमारी संकल्पना ये होती है कि जिस खाने के अंदर ये 6 रस के 6 रस मौजूद हैं, वो खाना बहुत अच्छा खाना हम मानेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि एक अच्छा खाना क्या है? जिसमें अच्छी मात्रा का फैट हो, अच्छा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, अच्छा प्रोटीन हो। हम ये तो बात बोलते हैं कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे खाने में होने चाहिए। तो ऐसे आयुर्वेद कहता है कि जिस खाने के अंदर ये 6 के 6 रस मौजूद रहते हैं, जिस खाने के अंदर ये 6 रस मौजूद होंगे, वो खाना सबसे बेस्ट खाना माना जाएगा। तो हम अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल खाने में हमको मिल जाता है अच्छा खासा। लवण मीन्स नमक, नमक खाने में है ही। मधुर के लिए हमने कोई लड्डू आदि या कोई गुड़ आदि खा लिया, कुछ ऐसा मीठा खा लिया जिससे कि हमको मिठास मिल गई खाने में। तो ऐसी हम पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार पूर्ति उसकी नहीं हो पाती। तो भगवान ने ऐसा विधान बनाकर भेजा आंवले के रूप में। उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो आंवला है ना, इस आंवले के अंदर 5 रस मैंने पैक कर दिए हैं, 1 रस नहीं है इसके अंदर, वो है लवण रस। यानी कि मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय इसके अंदर भरपूर मात्रा में भगवान ने हमको दे दिया। मीन्स कि जो पूर्ति हमको और खाने से नहीं हो पाती, वो अकेला आंवला हमारी पूर्ति करने वाला है। यानी कि लवण रस बचा, लवण रस को अब नमक से खा लो या आंवले को, थोड़ा नमक लगा करो उसके ऊपर खा जाओ, यानी कि लवण पूरा हो गया, मधुर पूरा हो गया और बाकी 6 के 6 रस पूरे हो गए। यानी कि बेस्ट फूड आपका बन जाता है आंवला। अगर आपने आंवला खाया, मीन्स कि आपने बॉडी को वो आहार दिया जो दुनिया भर में 1% लोग भी नहीं दे रहे होंगे आप अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आंवले के स्वास्थ्यवर्धक फायदे क्या क्या हो सकते हैं। अब आंवला कैसे खाएं? आंवला क्या, तो जूस आप पी सकते हो सुबह सुबह, थोड़ा गर्म पानी में 2 ढक्कन डाल दो उसका, आप पी जाओ उसको। या फिर आंवले का मुरब्बा खा सकते हो, या फिर आंवले कैंडी खा सकते हो, या फिर आंवले को आप कच्चा भी खा सकते हो। मार्केट से लेके ऐसे आइए, उसे छीलिए, उसे काट खा लीजिए ऐसा ही। या जब भोजन करते हैं तो आप भोजन करते करते एक काम करिए, जब भोजन करें तो आंवला लेकर थोड़ा सा आंवला खा लिया, फिर खाना खा लिया ऊपर से, ये कर सकते हो। तो चरक ऋषि कहते हैं कि सबसे बेस्ट फल कोई है तो वो तो आंवला ही हो सकता है। उसमें 5 रस मौजूद हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को दिन पे दिन निखार सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर हम सेकंड नंबर पर कहें तो सबसे अच्छा फल कोई है तो वो अंगूर है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर लगातार 1 साल तक अंगूर खाना शुरू कर दे, लगातार अंगूर खाए, तो करीब करीब 20 वर्ष तक की उम्र वो अपने शरीर से कम कर सकता है। यानी कि अपनी उम्र को 20 वर्ष रिवर्स कर सकता है। यानी कि अगर किसी की उम्र 50 वर्ष है तो वो उसको 30 साल कर देगा सिर्फ अंगूर खाने मात्र से। इतना ज़बरदस्त फल है, इतने न्यूट्रिएंट्स भरे हैं अंगूर के अंदर, इतने न्यूट्रिएंट्स भरे हैं ज़बरदस्त स्तर पर।
आप यकीन मानिए सबसे अच्छा फल आंवला, सबसे सेकंड फल में कहते हैं कि अंगूर। फिर वो कहते हैं कि अगर किसी को भूख बड़ी कम लगती हो, उसको भूख खुल के लगती ना हो, बड़ा परेशान रहता है, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती, हर समय रोते रहते हैं भूख नहीं है भूख नहीं है। अब देखो भूख नहीं है तो फिर बॉडी के अंदर फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बहुत सारी। अब भूख नहीं होगी तो क्या होगा, फिर शरीर में ताकत नहीं आ पाती, शक्तिशाली व्यक्ति बन नहीं पाता क्योंकि भूख नहीं है। भाई भूख से सारे काम होते हैं ना, भूख लगती तो ही तो हमारा खाना पच पाता है अच्छे से। तो भूख को बढ़ाता है कौन, वो बढ़ाता है हमारा अनार। अनार इतना अच्छा फल होता है कि किसी को भूख कम लगती हो तो सुबह सुबह एक अनार खा ले ब्रेकफास्ट में, इतनी कड़ाकेदार भूख लगती है उसकी, उसको खाने के बाद बहुत तेज़ लगती है। और बीज सहित खाएं, जैसे अनार को आप खाएं ना तो उसको चबा चबा के पूरा बीज सहित खाइए अनार को पूरा एकदम, बिल्कुल मुँह के अंदर मिला मिला के खाइए, और जो भी उसके अंदर निकलता है उसको सटक जाओ अंदर, उसको अंदर निगल जाओ, उसके बाद देखना आप कैसी भूख लगती है। तो वो कहते हैं कि सबसे बेस्ट फल आंवला, सेकंड नंबर पे आता है अंगूर, और थर्ड नंबर पे आता है अनार। तो आप इन तीनों का सेवन कीजिए। और मैं तो कहूँगा कि जो भी सस्ते फल आपको मिलते हैं ना, अभी गर्मियाँ आएंगी तो खूब आम, आंबे का खूब आम खाना, साथ में खूब तरबूज खाना, खूब सारे खरबूज खाना, खूब अंगूर खाना, खूब जो भी फल मिले खूब मात्रा में खाओ उसको। एक प्रश्न बड़ा आता है कि क्या डायबिटीज़ वाले लोग जो हैं वो फल खा सकते हैं, तो मैं कहता हूँ 100% भरपेट फल खाया करो। अगर आपको शुगर है ना, आप खूब आम खाओ, आप खूब सारे तरबूज खाओ, खूब खरबूज खाओ, एक भी फल से आपका शुगर डिसबैलेंस नहीं होता। शुगर कभी भी प्राकृतिक मीठे से बिगड़ती ही नहीं है, शुगर बिगड़ती है अप्राकृतिक मीठे से खाने से, जो हम अप्राकृतिक मीठा घर पर खाना खाते उससे शुगर का डिस्टर्बेंस होता है, शुगर कभी भी नहीं बिगड़ सकती हमारे इससे। प्राकृतिक मीठा स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर। एक हमारे वैद्य जी हैं कहीं साउथ में उनका है, उनके पास शुगर पेशेंट्स जाते हैं, पता क्या क्या बोलते हैं वो कि मेरे सामने बैठो और जितना गुड़ खाना है भरपूर गुड़ खा लो मेरे सामने बैठ करके, वो ऐसा बोल जाते हैं। प्राकृतिक मीठा आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा। ये जो रिफाइंड शुगर हम खाते हैं, वाइट चीनी जो हम खाते हैं, ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती। जो हम लेट नाइट खाना खाते हैं शुगर, इससे इम्बैलेंस होती है। जो हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं शुगर, इससे हमारी इम्बैलेंस होती है। अनहेल्दी ईटिंग से शुगर इम्बैलेंस होती है, कभी भी फल खाने से शुगर हमारी इम्बैलेंस नहीं होती। तो इसलिए सस्ते फल खाओ, खूब अच्छे से फल खाओ, कोई समस्या की बात नहीं है। मैं ये चक्कर में ना पड़े कि कीवी खाना है नहीं खाना है, कीवी क्यों खाना, कीवी कीवी नहीं खाना, ड्रैगन फ्रूट नहीं खाना। अगर लगे मौका है, पैसा आपका अच्छा है तो आप खा लो, कोई समस्या नहीं है ऐसी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ गरीब वर्ग के लिए। गरीब वर्ग कहाँ से खा लेगा, ड्रैगन फ्रूट नहीं खा सकता। जिस गरीब के पास चार बच्चे घर में हो, पांच बच्चे घर में हो, कमाई का साधन कोई इसके पास ना हो, वो सिर्फ घर घर जाकर बर्तन मांजती हो, कपड़े धोती हो किसी के, वो व्यक्ति कहाँ से ड्रैगन फ्रूट खा सकता है, नहीं खा पाएगा ना। इसके लिए ये विचार विषय है कि आपको इस पर क्या विचार करना चाहिए। इसलिए सस्ते फल खाइए, अच्छे फल खाइए, और जो प्रकृति जब फल को दे आपको फल तब खाना है, प्रकृति के आने से पहले कोई फल नहीं खाना। आप ये मत सोचो कि कोई भी तरबूज, सपोज कि तरबूज किसी और देश में कोई व्यक्ति खा रहा है इस समय पर, तो आपको भी खाने, नहीं ऐसा नहीं है। आपके जलवायु के हिसाब से, आपके मौसम के हिसाब से जो फल आपको जब उपलब्ध होता है आपको वो फल तब खाना होता है। अभी जून मई जून में खूब तरबूज आएंगे, खूब तरबूज खाना, खरबूज आए खूब खरबूज खाना। और मैं तो बोलता हूँ खूब तरबूज, खूब खरबूज खाओ, खाना खाओ मत गर्मी के दिनों में, खूब फलाहार पे रहो। करीब करीब 80-90% आप कच्चा ही अन्न खाया करो, 10% पका हुआ खाओ, बाकी कच्चा अन्न खाओ। जितने भी हमारे पशु हैं, जितने भी इतने हेल्दी हेल्दी लोग हैं, जैसे बंदर होते हैं, घोड़े होते हैं, गाय होती हैं, क्या खाते हैं, कौन सा पका हुआ अन्न खाते हैं, सब कच्चा खाते हैं। और कच्चा खाने के बाद इतनी एनर्जी, इतनी ताकत रहती है। घोड़ा जो होता है ना, जो हम कहते हैं हॉर्स पावर, किसी भी मोटर की क्षमता जो नापते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि कितनी ये जो मोटर है कितनी क्षमता है इसकी, कहते हैं कि इस मोटर की क्षमता 700 हॉर्स पावर की है, 800 हॉर्स पावर की है, तो वो हॉर्स पावर में नापते हैं, यानी कि अशक्ति में नापते हैं उसको हम, तो घोड़े में इतनी शक्ति होती है। तो वो कच्चा अन्न खाता है, घोड़े चना खाया करो। तो इसलिए कच्चा कच्चा अन्न खाओ, उससे आपका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा बन जाएगा। और पका हुआ अन्न कम से कम खाइए, पूड़ी पकवान समोसे टिकिया कचौड़ी ये बड़ी कम से कम मात्रा में खानी है, कभी कभार छठे छमाई को एक आध हो गया, अदरवाइज नहीं। सिंपल रोटी खाइए,
एक से दो समय, और मैं तो बोलूँगा 70-80% खाना आप कच्चा ही खाया करो, तो आपका स्वास्थ्य अपने आप अच्छा होगा। कच्चा खाने से आपका हार्ट का जो कोलेस्ट्रॉल अपने आप रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, कच्चा खाने से आपकी किडनीज अपने आप ठीक हो जाएंगी, कच्चा खाने से आपका स्किन अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा, कच्चा खाने से आपकी आँखें ठीक हो जाएंगी, और कच्चा खाने से आपकी पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। इसलिए कच्चा खाना शुरू कीजिए। कच्चा खाने से ग्लो फेस पे आता है, कच्चा खाने से बॉडी के अंदर एक सामर्थ्य एक्टिवनेस आती है, माइंड अलर्ट बन जाता है कच्चा खाने से। इसलिए कच्चा अन्न खाना आपको शुरू करना चाहिए। तो 70-80% आप कच्चा खाना है, इसके अलावा 20% पका हुआ अन्न खा लीजिए, और इसी के साथ सस्ते फल खाइए, अच्छे फल खाइए, मौसमी फल खाइए। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगल हो। नमस्ते।